नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये तो वो काम है जो टोपी पहनाने का, ये दूसरों को पागल बनाने वाला काम है। आपने काफ़ी बार ऐसी बातें सुनी होंगी, काफ़ी सारे लोगों से ऐसा कहते हुए सुना गया होगा, या फिर अगर आप MLM करते हैं और किसी को प्रेजेंटेशन देने गए तो ऐसा आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है, ये किस कारणों से होता है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में काफ़ी सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप कर जाते हैं और अपनी पुरानी वाली कंपनी को गलत साबित करने में लग जाते हैं कि ये गलत थी, मैंने इसमें फलाना करा ढिनका करा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे, फलाना है ढिनका। जी हाँ, सो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा आपका होस्ट और दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SP भरिल के बारे में। SP भरिल एक जाना माना नाम MLM इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक इतना बड़ा टाइम MLM के लिए दिया, काफ़ी बड़े लीडर। मैं पर्सनली उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, मैंने बहुत सारी उनकी वीडियोस देखी, काफ़ी सारे उनके सेमिनार सुने, लेकिन जब मैंने उनके बारे में रिसर्च करी, उनके बारे में पता करा, तो मेरे सामने कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन बातों ने मेरा प्रोस्पेक्ट SP भरिल के लिए टोटली चेंज कर दिया। जहां मैं SP भरिल को एक लाइफ चेंजर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक अद्भुत, मतलब उसके जैसा कोई बंदा ही नहीं ऐसा सोचता था, वहीं उनकी इमेज मेरी निगाह में बिल्कुल चेंज होगी। आज SP भरिल मेरे लिए एक चोर है, एक फ्रॉडी इंसान है, या मैं कहूँ एक झूठा इंसान है, जो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप करता है और कहता है कि मैंने कंपनी छोड़ दी, कंपनी मेरी बात नहीं मान रही थी, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे, जिसके कारण मैंने कंपनी छोड़ दी। असलियत क्या है, कभी आपने जानने की कोशिश करी? उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को कंपनी से निकाला गया क्यों? ये आप कोई भी जान सकता है कि जो आदमी महीने के 50-60 लाख रुपए, या 50-60 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी, कोई आदमी अगर 1 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है तो वो उस जॉब को, उस काम को कभी बंद नहीं करेगा जब तक उसके पास उससे ज़्यादा अच्छा, उसके बराबर का काम उसे नहीं मिल जाए। ऐसा ही कुछ SP भरिल के साथ है। इन्होंने MLM कंपनी MBA को तो छोड़ा इनके हिसाब से, लेकिन अपनी टीम को, अपने एसोसिएट्स को, अपने कंज्यूमर्स को या अपनी फॉलोअर्स को उन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने कंपनी नहीं छोड़ी, इनको कंपनी से निकाला गया है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बहुत सारी गालियाँ कमेंट करेंगे, लेकिन सच यही है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं विद प्रूफ इस चीज़ को साबित करके दूँ कि SP भरिल एक फ्रॉड है, एक झूठे इंसान है, जितना गलत या कहूँ जितना अच्छा ये बनकर दिखाते हैं उतने अच्छे ये नहीं हैं, उतने महान ये नहीं हैं, सो कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि ये मैं प्रूफ करूँ। जय हिंद।